हाई एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मी। दिस इज शिनम कटारिया। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम शिनम कटारिया है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये एमसीक्यू डिस्कस करवाने वाली हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री नाम का वर्ड है तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं। मैं आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द फाउंडर्स ऑफ द परमहंसा मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो परमहंसा मंडली है जिसे फाउंड किया गया था 1849 में, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि परमहंसा मंडली की सारी स्टोरी अभी बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फाउंडर्स ऑफ द परमहंसा मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है कि जो परमहंसा मंडली के फाउंडर थे वो किस बात में विश्वास रखते थे। आपके सामने चार बातें रखी गई हैं, वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल, सोशल डिस्टेंसिंग अलोंग कास्ट लाइन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, फॉरबिडिंग विडो रिमैरिज। वो बिलीव रखते थे, परमहंसा मंडली के फाउंडर बिलीव रखते थे वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उनका ये मानना था भगवान एक है और जो ये कास्ट रूल है इन्हें कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए, ब्रेकिंग कास्ट रूल। ये जो परमहंसा मंडली के जो फाउंडर थे वो एडवोकेट करते थे विडो रिमैरिज को। ये फोर्थ पॉइंट गलत हो गया, वुमेन की एजुकेशन को वो एडवोकेट करते थे, ओके। एज अ सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने काम किया था जो परमहंसा मंडली के फाउंडर थे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम नो, सोशल डिस्टेंसिंग अलोंग कास्ट लाइन नो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल। आइए परमहंसा मंडली की बात करें। अगर मैं परमहंसा मंडली की बात करूं तो इनके जाने माने दो फाउंडर है, दा दोबा पांडुरंग, ओके। सेकेंड है जी मेहता जी दुर्गाराम, मेहता जी दुर्गा राम। परमहंसा मंडली को फाउंड किया गया था 1849 में। परमहंसा मंडली को फाउंड किया गया था 1849 में महाराष्ट्र में। इनके जाने माने दो फाउंडर हैं दादोबा पांडुरंग एंड मेहता जी दुर्गा राम। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। जब दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गा राम ने मिलकर काम किया था, इनके साथ कुछ और भी बंदे थे, एज अ सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने काम किया था। सीक्रेट सोसाइटी की हिंदू रिलीजन में थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए, सोसाइटी में थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए, वही सीक्रेट सोसाइटी का नाम बाद में परमहंसा मंडली हो गया था। जब सब ने मिलके काम किया था तब वो एज अ सीक्रेट सोसाइटी वर्क कर रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई गई थी, ताकि हिंदू रिलीजन में कहीं ना कहीं रिफॉर्म किया जाए, सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिफॉर्म किया जाए, उसी का नाम बदल के परमहंसा मंडली हो गया था। अगर आप बात करें तो जो ये परमहंसा मंडली थी ये एडवोकेट करती थी विडो रिमैरिज को, वुमेन की एजुकेशन को, वुमेन को पढ़ाया जाए, ठीक है। और देखो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड थी मानव धर्मा सभा के साथ। जो मानव धर्मा, सबसे पहले ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम कर रही थी, फिर इसका नाम परमहंसा मंडली हो गया। जब ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम कर रही थी तो ये कहीं ना कहीं मानव धर्मा सभा से रिलेटेड थी। मानव धर्मा सभा, देखो जो मानव धर्मा सभा थी उसे फाउंड किया गया था 1844 में सूरत में, ओके। तो ये जो कहीं ना कहीं सोसाइटी थी जिसे बाद में परमहंसा मंडली ही कहा जा रहा था, ये सोसाइटी रिलेटेड थी किससे, मानव धर्मा सभा से। मानव धर्मा सभा को कब फाउंड किया गया था, 1844 में सूरत में किया गया था, ठीक है। और कुछ पॉइंट है, जो परमहंसा मंडली है इसे फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन माना गया महाराष्ट्र का, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो ये किस पे बिलीव करते थे, वन गॉड एंड ब्रेकिंग कास्ट रूल, ठीक है जी। और ये क्या करते थे, जब इनकी मीटिंग होती थी जो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनका बना ही ये खाना अपनी मीटिंग में खाते थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी परमहंसा मंडली के फाउंडर। आपको मैंने बता दिए कब इसे फाउंड किया गया, किससे रिलेटेड थी, पहले सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटी की तरह इन्होंने काम स्टार्ट किया था, मानव धर्मा सभा से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड थी। मानव धर्मा सभा को 1844 में सूरत में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक प्रकार की, इसको परमहंसा मंडली को एक प्रकार की सीक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप माना जाता है और ये फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी महाराष्ट्र की, ये परमहंसा मंडली। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी।
हू अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए लोकमान्य तिलक, ये लोकमान्य तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे। अगर मैं लोकमान्य की बात करूं तो इन्हें लोकमान्य का टाइटल मिला था बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य का वैसे मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया था, इनका लीडर, ठीक है, लोकमान्य विच मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर। ओके जी, आइए ऑप्शन बी इज करेक्ट है। आइए थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ जो ये मराठी न्यूज़पेपर है केसरी, ये कब आया था, ठीक है। मराठी न्यूज़पेपर केसरी, देखो ये जो मराठी न्यूज़पेपर था ना केसरी, इसे फाउंड किया गया था 4 जनवरी 1881 को बाय बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें अपन लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है केसरी को कब फाउंड किया गया था। ये जो केसरी न्यूज़पेपर था एक वीकली न्यूज़पेपर था और किस भाषा में था? मराठी में था। ये भी आपको याद रखना है, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा गया ना, देखो ये तो क्वेश्चन में भी लिखा गया मराठी न्यूज़पेपर केसरी। केसरी को कब फाउंड किया गया था? 4 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक ने इसे फाउंड किया था, ये आपको बात याद रखनी है। आइए बाल गंगाधर तिलक की कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे मैं आप रिमूव कर लूँ, ठीक है, वन सेकेंड। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूँ तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल मिला था, अभी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड थिंग है, जब इनका जन्म हुआ था तो बोर्न केशव गंगाधर तिलक। इनका जो जन्म था वो 1856 में हुआ था, 1856 है ना, और 1920 में डेथ हो गई थी 1920 में। और कुछ चीज़ें हैं, इन्हें फर्स्ट लीडर माना जाता था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का इन्हें फर्स्ट लीडर माना जाता था। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने बोला था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था, तो महात्मा गांधी ने बोला था। इनका ना एक कोट था, बड़ा ही फेमस था, स्वराज इज माई बर्थ राइट। देखिए स्वराज इज माई बर्थ, ऐसे भी सीधा क्वेश्चन आ जाता ना, स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने बोला, किसका कोट था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आइए रिमूव कर लेते हैं ना, राइटिंग मैं साफ करने की कोशिश करती हूँ, जल्दी जल्दी लिख देती हूँ ना, डॉक्टर जैसी राइटिंग हो जाती है जी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका एक और वीकली न्यूज़पेपर था महारथा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। 1903 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास। एक और थी श्रीमद भगवत गीता रहस्य, एक और बुक थी इनकी श्रीमद भगवद गीता रहस्य। जो ब्रिटिश कॉलोनीज अथॉरिटीज थी ना, वो बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलती थी। देखो जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट था वो बोला किसने था, मतलब किस बंदे ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को बोला था, वो थे वैलेंटाइन चिरोल। ये बात आपको याद रखनी है, वैलेंटाइन चिरोल, ये जो बंदा था ना वैलेंटाइन चिरोल, एक ब्रिटिश ऑथर था, इसने बोला था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब ज्वाइन की थी, 1890 में। देखो यही बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, होम रूल लीग स्टार्ट की थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग स्टार्ट की थी, कब की थी? अप्रैल 1916 में की थी। जो एनी बेसंत थी उन्होंने सितंबर 1916 में की थी, बट बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में कर दी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल स्टार्ट की थी अप्रैल 1916 में, पर जहाँ पे की थी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं थी, इनकी 6-7 ही ब्रांचेस थी, बट एनी बेसंत की ब्रांचेस ज़्यादा थी। इन्होंने अलग अलग होम रूल मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर थे वो एनी बेसंत को पसंद नहीं करते थे, और जो एनी बेसंत के फॉलोअर थे वो बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे, तो ये इशू था। और बाल लाल पाल ये भी बहुत मशहूर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन सॉरी करते हैं।
अब आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, अब आप बात करते हैं भगवती चरण वोरा के बारे में। अच्छा, मैंने आंसर ही बोल दिया। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये किस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा था, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा था, सुखदेव, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, चंद्रशेखर आजाद, किस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल लिखा था भगवती चरण वोरा ने, ये आपको बात याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोरा। अगर मैं भगवती चरण वोरा की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था। देखिए, मैंने ना एक पार्ट में बताया था 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा। भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बनाएगी ताकि जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जाए। ठीक है जी, 15 नवंबर को ही किसका जन्म हुआ था, भगवती चरण वोरा का, और 1930 में इनकी डेथ हो गई थी भगवती चरण वोरा की। अब जो एक भगवती चरण वोरा थे वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, एसोसिएटेड थे विद HSRA। HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले ये क्या थी, पहले ये HRA थी, 1924 में बनी थी, फिर ये HSRA बन गई 1928 में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ये 1924 में बनी थी। आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जब 1924 में बनी तो इसके फाउंडर कौन थे, फिर इसका नाम बदल के HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया 1928 में। तब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, आपको HRA के बारे में भी बताना है, आपको HSRA के बारे में भी बताना है। भगवती चरण जो वोरा थे वो एसोसिएटेड थे HSRA के साथ, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ थे। ओके जी, देखिए एक चीज है, भगवती चरण वोरा जो थे उन्होंने प्लान किया था कि 23 दिसंबर 1929 को, जो भगवती चरण वोरा थे उन्होंने एक प्लान किया था 23 दिसंबर 1929 को बॉम्ब ब्लास्ट करने का। जो वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन थे उनकी ट्रेन के नीचे बॉम्ब ब्लास्ट करने का उन्होंने प्लान किया था, कि उन्होंने किया था भगवती चरण वोरा ने 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन वॉइसरॉय को मारने की साजिश की थी दिल्ली आगरा रेलवे लाइन पर। बट क्या हो गया था ना कि वो बच गए थे, लॉर्ड इरविन जो थे वो बच गए थे, और महात्मा गांधी जी इस बात से बड़ा खुश हुए थे। तो महात्मा गांधी ने कंडेम किया था रिवॉल्यूशनरी एक्ट को, मतलब उन्होंने इनकी निंदा की थी कि आपने ये सही नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी तो कभी भी वॉयलेंस नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक आर्टिकल के दौरान, महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल था द कल्ट ऑफ बॉम्ब, उसके दौरान वो आर्टिकल के जरिए उन्होंने कंडेम किया था रिवॉल्यूशनरी एक्ट को। ओके जी, उसके रिस्पॉन्स में जब महात्मा गांधी जी ने क्या किया था ना, भगवती चरण वोरा के जो एक्ट था, उन्होंने लॉर्ड इरविन को मारने की कोशिश की थी 23 दिसंबर 1929 को बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन के नीचे, तो महात्मा गांधी ने इसे कंडेम किया, इस रिवॉल्यूशनरी एक्ट को कंडेम किया, किसके जरिए, एक आर्टिकल के जरिए, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। उसके बाद क्या हुआ, भगवती चरण वोरा ने गांधी जी को जवाब देने के लिए एक आर्टिकल लिखा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ओके, उसमें बहुत सारी लाइनें थी, देयर इज नो क्राइम दैट ब्रिटेन हैज नॉट कमिटेड इन इंडिया, तो ये था। ठीक है जी, तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लॉर्ड द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोरा, 23 दिसंबर 1929 को इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की, लॉर्ड इरविन को मारने की कोशिश की, ट्रेन के नीचे बॉम्ब रखने की कोशिश की और उन्हें उड़ाने की कोशिश की, बट वो गलती से बच गए, और गांधी जी ने क्या किया, भगवान का धन्यवाद किया कि वो बच गए, गांधी जी ने भगवती चरण वोरा के इस एक्ट को कंडेम किया, इसकी निंदा की आर्टिकल लिख के, द कल्ट ऑफ बॉम्ब आर्टिकल के जरिए, और इन्होंने भी रिस्पॉन्स में आर्टिकल लिखा था फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की थोड़ी सी स्टोरी और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे मैं MCQ एक्सप्लेनेशन बढ़ाती जाऊंगी। आप भी अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड, लखनऊ सेशन, कराची सेशन, त्रिपुरी सेशन, लाहौर सेशन, ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, कराची सेशन। ठीक है जी, ऑप्शन बी कराची सेशन, जो कि 1931 में हुआ था मार्च में। ओके जी, क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा सेशन है, चार सेशन आपके सामने दिए गए, लखनऊ, कराची, त्रिपुरी, लाहौर, इनमें से कौन सा सेशन है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन लेकर आई थी फंडामेंटल राइट पे और इकोनॉमिक पॉलिसी पे, तो वो सेशन है कराची सेशन, मार्च 1931 का कराची सेशन, और उसको प्रिजाइड कौन कर रहा था जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द ईयर 1928 ए कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स, इन द ईयर 1928 ए कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द कमेटी वॉज हेडेड बाय, 1928 के साल में एक कमेटी थी कांग्रेस लीडर्स की, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, महात्मा गांधी, नो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, टी बी सपरू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोतीलाल नेहरू, ये बात आपको याद रखनी है। आइए थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं, देखिए वन सेकेंड यहाँ पे समझाती हूँ मैं, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की स्टोरी। देखिए जो साइमन कमीशन था ना, साइमन कमीशन ये आया था भारत, साइमन कमीशन में ना 7 के 7 मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे, 7 के 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ओके, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इंडिया के लोगों ने, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये कहा गया अगर आप इंडिया के लिए कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, इंडिया के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेकर आ रहे हो, तो उसमें आप सातों के सातों अंग्रेज ही रख रहे हो, हम कहाँ गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो हड़तालें हुई, बड़ा कुछ हुआ, विरोध हुआ, साइमन गो बैक गो बैक। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का जब विरोध किया था, तब उस टाइम जो जेम्स स्कॉट थे ना, जेम्स स्कॉट, उन्होंने बोला था लाठीचार्ज करने के लिए, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी नवंबर में। ओके, तो देखो जो साइमन कमीशन है इसका कनेक्शन कहाँ से है, आइए कनेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो साइमन कमीशन था इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे, इंडिया की पॉलिटिकल, जब ये इंडिया आया साइमन कमीशन, जोहन साइमन जो इसके थे चेयरमैन थे, जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सातों के सातों अंग्रेज ही थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। इंडिया का ये कहना था कि अगर आप हमारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो तो आपने हमें ही ऐड नहीं किया, इंडियन तो एक भी ऐड नहीं है, आप क्या करना क्या चाहते हो, तो साइमन कमीशन के नारे हुए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। वही लाला लाजपत राय लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, जेम्स स्कॉट ने ऑर्डर दे दिया लाठीचार्ज करने का, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से डेथ हो गई थी। देखिए अगर मैं बात करूँ ना इसकी स्टोरी क्या है, अभी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम होती है ना इसलिए। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे आप क्या बोल देते हैं, मोंटेग्यू चैलम्स फोर्ड रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। ओके, तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसे आप मोंटेग्यू चैलम्स फोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये भी सोच रही थी कि धीरे धीरे हम इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर चले जाएंगे। ये बोला क्या कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ इंडिया को लेकर चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न ये भी थी कि 1929 में, मतलब कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा, वो कमीशन चेक करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो चीज़ें हैं उसे चेक करेगा, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आएगी उसे रेकमेंड करेगा, प्रपोज करेगा। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया कि 10 साल बाद हमें कमीशन लेकर आएंगे, वो कमीशन क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है उसे चेक करेगा।
ठीक है ना, उसे चेक करेगा और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म्स हैं उसे रेकमेंड करेगा, प्रपोज करेगा, कौन कमीशन करेगा। बट देखिए 10 साल तो हुए ही नहीं, कमीशन 1927 में ही आ गया। कौन सा कमीशन? वही कमीशन, साइमन कमीशन। इसका नाम अब साइमन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो चेयरमैन बनाया गया था जॉन साइमन, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 बंदे थे और उसमें एक चेयरमैन बना दिया गया था सर जॉन साइमन, उसी बंदे के नाम से ये साइमन कमीशन पड़ गया था। ठीक है, तो इसी बंदे के नाम से साइमन कमीशन पड़ गया था। अब 2 साल पहले क्यों आ गया था? उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिर्केनहेड। लॉर्ड बिर्केनहेड आना कब था? 1929 में आना। क्यों था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। ओके, ताकि और किस लिए आना था? ताकि आगे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म रेकमेंड कर सके, प्रपोज कर सके। बट आ क्या गया? 2 साल पहले ही आ गया। आना 1929 पे था, 1927 में ही आ गया। सातों के सातों ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रख दिए। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम थे लॉर्ड बिर्केनहेड। लॉर्ड बिर्केनहेड ने इस कमीशन को 1927 में ही पास कर दिया। तो जब ये इंडिया आया, लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी, सॉरी, इंडिया का कोई भी बंदा नहीं है, सारे के सारे बंदे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। हमने क्या करना है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने इंडिया के लोगों को तो ऐड ही नहीं किया। अब नेहरू रिपोर्ट इससे कहीं ना कहीं कैसे जुड़ी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब ना कि ब्रिटिशर्स को ये बोला गया कि आपने साइमन कमीशन का हम अपोज इसलिए कर रही हैं, इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स को बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आया ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म देगा कल को, रेकमेंड करेगा, प्रपोज करेगा, आपने इसमें हमारा कोई बंदा ऐड किया है? इंडिया का कोई बंदा ऐड किया है? सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बंदे, आप करना क्या चाहते हो? ये बात बोली गई। तब बिर्केनहेड ने पता क्या बोला? बिर्केनहेड ने ये बोला कि मुझे लगता है इंडिया कैपेबल ही नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके। इंडिया के लोगों को इससे बड़ा गुस्सा आया। तो लॉर्ड बिर्केनहेड ने बोला कि आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ, एक ऐसा लेके आओ, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आप सभी, आपके इंडिया में जितनी भी पार्टीज हैं, आप सभी का मन रख पाओ, मतलब सभी की ज़रूरतें पूरी कर पाओ। तो उस विषय में बनी थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको छोटा छोटा ग्लिम्स दे दिया, उस विषय में बनी थी जी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट का लिंक इस चीज़ से था। देखो, एक चीज़ और थी, दिसंबर 1927 में ना, जब ये साइमन कमीशन आया था तब दिसंबर 1927 में मद्रास का सेशन भी हुआ था। मद्रास का सेशन जो था उसमें एम ए अंसारी जो थे वो प्रेजिडेंट थे। दिसंबर 1927 में जब साइमन कमीशन आया, उसके बाद दिसंबर 1927 में आईएनसी का क्या हुआ था? आईएनसी का सेशन हुआ था। रिमूव करना पड़ेगा सारा कुछ। देखिए, जब साइमन कमीशन आया दिसंबर 1927 में क्या हुआ था? मद्रास का सेशन हुआ था, मद्रास आईएनसी सेशन। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, मद्रास का सेशन हुआ था दिसंबर 1927। प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? एम ए अंसारी। उन्होंने क्या बोला इस सेशन में? साफ साफ बोल दिया हमें साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, ये चीज़ बोली गई। ठीक है, उसके बाद सारा प्रोसेस चलता गया, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनी, जिसमें ये बोला गया कि हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। और उन्होंने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था क्योंकि लॉर्ड बिर्केनहेड ने ये बोला था कि मुझे नहीं लगता इंडिया के लोग इतने कैपेबल अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके, इसलिए हम साइमन कमीशन लेकर आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? मद्रास के सेशन के बाद फिर ओल्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। ओल्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनी, कमेटी के चेयरमैन मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनानी स्टार्ट कर दी। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने में लगा रहा और नेहरू रिपोर्ट अपना, मतलब मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट बनाने में लगे रहे। दोनों का मोटिव क्या था? प्रपोज करना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया के लिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ था पिक्चर में? फेब 1928 को जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था, तब सारा वाद विवाद हुआ था, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। पहले मैंने आपको छोटी छोटी एक स्टोरी बताई थी, अब मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली चीज़ें बताई हैं कि कैसे हुआ है। पहले मैं बिल्कुल ओरली सारी चीज़ें बता देती हूँ कि जब मैं क्रोनोलॉजिकली बताऊँ तो आपको अच्छे से पता लगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे स्टोरी है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी अगस्त 1928 में ओल्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस में। ओल्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे उन्होंने ये प्रेजेंट की रिपोर्ट, तब किस किसने इसको अपोज किया? तब देखो, जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट को पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा?
पता है क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में ना मोतीलाल नेहरू ने एक पॉइंट रखा था, डोमिनियन स्टेटस। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें यह पसंद नहीं आया कि आप क्या बात कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस नहीं हमें चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दोनों अलग होके उन्होंने बना ली थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। बाद में फिर क्या हुआ था कि एक सेशन आगे जाके और हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे उन्होंने फिर अपनी नेहरू रिपोर्ट को रखा और नेहरू रिपोर्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स के सामने नेहरू रिपोर्ट को रखा गया, और ठीक है तो ब्रिटिशर्स के सामने नेहरू रिपोर्ट को रखा गया। उधर से साइमन कमीशन था, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1930 में। सो ये सब चीज़ें थी, ठीक है जी। फिर क्या होता है ना कि एक चीज़ और थी, जब नेहरू रिपोर्ट, वन सेकेंड, जो नेहरू रिपोर्ट थी ना वो दिसंबर 1928 में जब तैयार होगी थी ना, तब इंडिया के लोगों ने उसे ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था और टाइम दे दिया था एक साल का। जब नेहरू रिपोर्ट तैयार होगी थी, जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई थी पूरी, और एक सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसमें मोतीलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे। आपको वो सेशन बताना है वो कब हुआ था। उसमें नेहरू ने अपनी खुद की रिपोर्ट रखी, मोतीलाल नेहरू ही उसी में प्रेसिडेंट थे। आईएनसी का सेशन हो रहा था, तब नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। तब ये नेहरू रिपोर्ट किसको दे दी गई? ब्रिटिशर्स को दे दी गई। और ब्रिटिशर्स को कब दी गई? दिसंबर 1928 में। और ब्रिटिशर्स को टाइम दे दिया गया एक साल का। ब्रिटिशर्स को ये बोला गया, अगर आपने एक साल के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को नहीं माना या हमें कोई जवाब नहीं दिया तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ था, दिसंबर 1929 तक इस नेहरू रिपोर्ट पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका कोई जवाब नहीं आया था, ना उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को लागू किया था। फिर आया था पिक्चर में दिसंबर 1929 को सेशन। किसका सेशन आया था? लाहौर सेशन, जब बात की गई थी पूर्णा स्वराज रिजोल्यूशन। दिसंबर 1929 का जो लाहौर सेशन था उसे प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया ना, अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, तो दिसंबर 1928 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को दे दी और उन्होंने बोला, आपके पास एक साल का टाइम है, या तो आप नेहरू रिपोर्ट को लागू कर देना, हमें जवाब देना। उन्होंने एक साल का वेट किया, दिसंबर 1929 आ गई, ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं था। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसे प्रिजाइड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने बोला, इस नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने जवाब नहीं दिया ना, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं देना चाहते, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्णा स्वराज रिजोल्यूशन आया था इस लाहौर सेशन में दिसंबर 1929, जिसे प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आंसर मैंने आपको बता दिया है ना, यहाँ पे क्या था? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज राइट।